ठीक है, कौन सा यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर यूनिट 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 9 में क्या है आपका? ऑप्टिक्स है। ठीक है, ठीक है, यूनिट 9 में क्या है आपका? ऑप्टिक्स है। तो सबसे पहले तो आप यही बताइए कि ऑप्टिक्स क्या होता है, व्हाट इज ऑप्टिक्स? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ऑप्टिक्स पहले ये बताएं, ऑप्टिक्स क्या है? एनीवन नोज इन अ क्लास? यस, ट्राई टू बी वोकल। यप, व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स क्या है पता ही होगा, अभी तक पढ़ते आते हैं, टेंथ में पढ़ते हैं, एट में पढ़ते हैं। मैम साइट, साइट और लाइट से रिलेटेड होता है मैम। लाइट से रिलेटेड, ओके, एनी मोर आंसर्स? ठीक है, लाइट से रिलेटेड इन्होंने बोला। ठीक है, तो यहीं से इसकी डेफिनेशन जाती है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी? व्हाट इज ऑप्टिक्स? स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइट को ही हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज या इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा था। ठीक है, अच्छा, हमने अभी लास्ट चैप्टर्स कौन सा कंप्लीट किया? एटम एंड न्यूक्लियाई पढ़ा, उससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा था। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखा था कि वो इनविजिबल रेस थी, लेकिन जब हमने उसका पूरा वो बनाया था, बैंड बनाया था ना, पूरा जो उसका स्पेक्ट्रम बनाया था, हमने उसमें देखा था कि उसमें कुछ विजिबल रीजन था। ठीक है, जो विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम था वो ही क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, उसी की वजह से हमें दिखता है। तो जो हमारी लाइट रेज है ना, जो हम क्या कह रहे हैं? स्टडी ऑफ लाइट। तो स्टडी ऑफ लाइट में जो आप कह रहे हैं ना कि लाइट रेज है, तो लाइट रेज क्या है? लाइट रेज वो ऐसे स्पेक्ट्रम है जो हमने डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बनाया था, स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है जो हमें विजिबल है। जो विजिबल रेज होती है उन्हें ही क्या कहते हैं? लाइट रेज कहते हैं। ठीक है, और इस लाइट से होता क्या है? लाइट मेक्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइट क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों इसका स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि लाइट मेक्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, तो लाइट ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, क्या अगर हम पूरा, हमने जो स्पेक्ट्रम देखा था ना, हमने किस में पढ़ा था? ये बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा, फिर हमने उसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जो विजिबल पार्ट था, ठीक है, जो विजिबल पार्ट था, जो हमें विव्यू और कलर मिलता है, ठीक है, वो क्या होती है? वो आपकी लाइट रेज होती है। ठीक है, अब आए ऑप्टिक्स के इस यूनिट में। आपके दो तरीके से अपन ऑप्टिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, लाइट की हम स्टडी दो तरीके से करेंगे। एक आपका क्या होता है? रे ऑप्टिक्स। फर्स्ट आपका क्या है? रे ऑप्टिक्स। और सेकंड आपका क्या है? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 9 है आई गेस, और ये चैप्टर 10 है। ठीक है, तो ऑप्टिक्स को ब्रॉडली कैसे क्लासिफाई किया? रे ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स में। अब रे ऑप्टिक्स से नाम से ही समझ में आ रहा है, रे। ठीक है, ऐसी स्टडी जिसमें आपकी जो लाइट है उसको कैसे कंसिडर किया? लाइट को एज अ रे कंसिडर किया, कि लाइट किस कैसे ट्रेवल करती है? लाइट कैसे ट्रेवल करती है? लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उस स्ट्रेट लाइन को क्या नाम दिया गया? रे। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ लाइट इन विच लाइट इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन, द ट्रेवल्स ऑफ लाइट इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन, तो उसे क्या बोला गया? उसको रे ऑप्टिक्स बोला गया। और वेव ऑप्टिक्स में नाम से समझ में आ रहा है, वेव ऑप्टिक्स में लाइट को कैसे कंसिडर किया गया? वेव, लाइट जो है क्या है? एक वेव है। ठीक है, तो इसमें, अच्छा, अब इसमें आता है कि ये तो इसका बेसिक डिफरेंस हो गया। अब जब हम रे ऑप्टिक्स में लाइट को बोल रहे हैं कि वो अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, एज अ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो लाइट के हम कौन से फिनोमिनास हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं? हम क्या पढ़ते हैं इसमें? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं।
है, क्या क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं और रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो वेव ऑप्टिक्स है, वेव है, बेंड हो सकती है, तो इसमें हम इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, पोलराइजेशन पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या फिनोमेना पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, पोलराइजेशन पढ़ते हैं। इंटरफेरेंस भी दो तरीके के हो जाएंगे आपके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। ये रहा आपका बेसिक डिफरेंस, ठीक है, कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस है। यस, गॉट इट, समझ में आ रहा है। पोलराइजेशन पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स में और भी बहुत कुछ होता है, जैसे जैसे आते जाएगा बताती जाऊंगी, जैसे डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, अब इसमें हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो क्या क्या रहेगा उसमें आपके, क्या कैसी कैसी चीजें रहेंगी, आपका प्लेन मिरर रहेगा, ठीक है, प्लेन मिरर्स रहेंगे, प्लेन मिरर्स की स्टडी करेंगे। उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर्स की स्टडी करेंगे, लेंस की स्टडी करेंगे, स्फेरिकल सरफेसेस की स्टडी करेंगे, ठीक है, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स थियोरेटिकल है, अगर देखा जाए तो, ओवरऑल देखा जाए तो वेव ऑप्टिक्स थोड़ा थियोरेटिकल जाएगा आपका, और इसमें बहुत सारे थ्योरी और कुछ कुछ डेरिवेशन भी हैं, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट हैं, सुना होगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बेसिक टॉपिक से। सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका क्या जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट टॉपिक क्या जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, सबको पता होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, टर्निंग ऑफ द लाइट, सॉरी। हाँ देखो, क्या होगा, आपका एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्शन आपको पता है ना, यस मैम। क्या है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस में अगर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, ये मैंने क्या ले ली, एक लाइट रे ले ली, एक लाइट रे इस पे इंसिडेंट होगी तो ये उसी मीडियम में, उसी सेम मीडियम में क्या हो जाएगी, इट टर्न बैक्स टू द सेम मीडियम। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट या फिर द टर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबको पता है, ठीक है। अब एक क्या बनाई मैंने, एक नॉर्मल रे बनाई, एक नॉर्मल रे बनाई, ठीक है, तो मैंने एक ही एंगल ले लिया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का जो एंगल बन रहा है इसे हम क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का ये जो एंगल बन रहा है इसे क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब आए हम क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे, कि कितने लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरे पास कोई रिफ्रैक्टिंग सर्फेस है और अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई कितने एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे, तो वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो भी कितना एंगल बनाएगी, 30 डिग्री पे एंगल बनाएगी। अब हमारा सरफेस कैसा भी हो, ठीक है, सरफेस कैसा भी हो, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होगा। जैसे कि ये मुझे ऐसा सरफेस दिख रहा था, अब कंसिडर कर लो मेरे पास कोई ऐसा सरफेस है, कोई स्फेरिकल मिरर है मेरे पास, अगर स्फेरिकल मिरर पे भी अगर लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ये मेरा लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तभी भी ये कंडीशन आपकी ट्रू है। यहाँ पे हम नॉर्मल रे बना देंगे, ये इंसिडेंस हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टर ने हो जाएगा, और ये दोनों ही एंगल कैसे होंगे, आपके इक्वल होंगे। ये सारे ही किसी भी तरीके के सरफेस में ये कंडीशन ट्रू है। अब किसी भी सरफेस में ये कंडीशन ट्रू है, इसी के बेसिस पे इसे दो तरीके का बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन को क्या बोल देते हैं, दो तरीके का बोल देते हैं। मालूम है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, कितने तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, यस, एनी आंसर्स, नो, अरे बहुत बेसिक सी चीज है, कम ऑन, गिव इट अ ट्राई, नॉर्मल रिफ्लेक्शन। एक तो आपका क्या होता है, नॉर्मल रिफ्लेक्शन या फिर प्लेन रिफ्लेक्शन, और एक क्या हो जाता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में कैसा सरफेस होगा, आपका रफ सरफेस होगा,
ठीक है, ये दो बेसिक टाइप है। अब सेकंड सेकंड ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ क्या कहता है कि ये जो आपकी इंसिडेंट रे है, ये जो आपकी ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये सब किस पे होते हैं, एक ही पॉइंट पे होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गई, ये नॉर्मल रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये क्या कह रहे हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ये सब किस पे होंगे, इट लाइज ऑन अ सेम प्लेन। ठीक है, ये क्या था आपका बेसिक था, किसका, रिफ्लेक्शन का। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन के हमारे लॉज हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका प्लेन सरफेस। ठीक है, अब हम केसेस पे जाते हैं कि कितने तरीके के सरफेस होंगे आपके। प्लेन सरफेस हो सकता है, कोई स्फेरिकल सरफेस हो सकता है, लेंस हो सकता है। ठीक है, तो अभी आज और कल की क्लास में क्या डिस्कस करते हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। ठीक है, अगर मैं एक कोई प्लेन ले रही हूँ, प्लेन मिरर ले रही हूँ ना, प्लेन मिरर अगर हम कोई ले रहे हैं ऐसा, ठीक है, हम कोई प्लेन मिरर दे रहे हैं, तो क्या कहा जाता है कि प्लेन मिरर का कैसा रहता है, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या रहता है, इनफाइनाइट रहता है। अच्छा, अब हम, मैं मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, एक प्लेन मिरर है और एक ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहता है, इनफाइनाइट रहता है। सेकंड क्या बता रहे हैं, सेकंड बता रहे हैं कि ये कैसी इमेज प्रोड्यूस करता है। आप अगर मिरर के सामने हो ना, हमारे घर पे जो नॉर्मल मिरर्स होते हैं, अगर हम मिरर के सामने हैं तो इमेज क्या बनती है, मिरर के पीछे बनती है। ठीक है, पीछे बनती है मतलब यहाँ कहीं बन रही है इमेज, कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। तो कैसे कह रहे हैं, पीछे राइट साइड पे इमेज प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, इट प्रोड्यूसेस द वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज प्रोड्यूस करेगा, वर्चुअल इमेज की, वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा। ये क्या हो गई, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई। थर्ड क्या बोल रहे हैं, ऑफ सेम साइज। कैसी, सेम साइज की, साइज कैसा रहेगा, सेम रहेगा बट लेटरली इन्वर्टेड ना, उल्टी रहेगी। ठीक है, ठीक है, मतलब बैक साइड पे है इसलिए क्या बोल रहे हैं, लेटरली इन्वर्टेड। अब सेम साइज की रहेगी मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर का है तो इमेज भी कितने की बनेगी, 2 मीटर की बनेगी। या फिर इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हम हाइट से समझ रहे हैं। ठीक है, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ से इस प्लेन मिरर, इस पॉइंट को मान लो मैं पी ले रही हूँ, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ओ से पी तक का डिस्टेंस अगर 2 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 2 मीटर होगा। ठीक है, जो इमेज प्रोड्यूस होती है वो वर्चुअल होती है बट सेम साइज की होती है। क्लियर, क्लियर, यस मैम। ठीक है, अच्छा, अब इसके, अब कैसे प्रोड्यूस हो रही है इमेज, हम प्लेन मिरर में कैसे इमेज बना रहे हैं इससे समझते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है, मैंने तो अभी कह दिया इक्वल है, बट मैं कैसे कह रही हूँ कि सेम साइज की आपको इमेज मिलेगी। ये आपका क्या ले लिया हमने, प्लेन मिरर ले लिया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या याद रखना है हमें, क्या याद रखना है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि कैसी इमेज प्रोड्यूस होती है, सेम साइज की इमेज प्रोड्यूस होती है। कैसे सेम, कैसा, अच्छा मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे कैसा लिया है, एक्सटेंडेड नहीं लिया, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लिया है। पहले पॉइंट साइज देख लेते हैं ना, कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज मेरे पास ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पे प्लेन मिरर है, तो अभी मैंने क्या बताया, अगर कोई प्लेन मिरर है आपके पास तो जितने डिस्टेंस पे, ठीक है, जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा, जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा उतने ही डिस्टेंस पे क्या प्रोड्यूस होगी, आपकी इमेज प्रोड्यूस होगी। ठीक है, उतने ही डिस्टेंस पे इमेज प्रोड्यूस होगी। तो ये मैंने क्या ले लिया, आई पॉइंट ले लिया, ये आई क्या है, आपकी इमेज है। ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होने वाले हैं। अच्छा, मैंने कैसे कहा कि आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, फर्स्ट मैंने कहा कि वर्चुअल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता था, वर्चुअल इमेज का मतलब होता था कि हम रेस को क्या करते थे, पीछे एक्सटेंड करते हैं, रेस को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं।
सकते हैं, या फिर ऐसा लिखा रहता है इट अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, इट अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, जिन्हें मतलब नहीं मालूम, पीछे का कुछ याद नहीं है तो मैं अभी बता रही हूँ ना। वर्चुअल इमेज हमें क्या, हम क्या कहते थे, इट अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, वो असल में नहीं मिलती थी बल्कि रेस को क्या करते थे, एक्सटेंड करके एक कॉमन पॉइंट हम ढूंढ लेते थे। ऐसी इमेजेस को क्या कहते थे, वर्चुअल इमेज कहते थे। ठीक है, तो मैंने ये कह दिया कि वर्चुअल इमेज बनेगी, तो कैसे बनेगी देखो। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, अपन ने इमेज बना ली, हमें ये कैरेक्टरिस्टिक मालूम है कि प्लेन मिरर में सेम साइज की इमेज दिखती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक लाइट रे कहीं पे भी इंसिडेंट करते हैं। मान लो ये मेरा क्या है, कोई इंसिडेंट लाइट रे हो गई। ठीक है, ये कोई मैंने इंसिडेंट रे बना दी। अब ये इंसिडेंट रे बना ली और ये क्या बना दें, इसकी नॉर्मल रे बना दें। ये मैंने क्या ले लिया, ये नॉर्मल रे हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी सेम मीडियम में। तो ये मैंने बना दिया, ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब क्या कह रहे हैं, प्लेन मिरर। अब देखो, अगर हम ये देखें, ये इंसिडेंट रे है, ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन ये तो मिली नहीं, ये कहीं पे आगे जाके, आगे अगर मैं इन्हें और लेती जाऊंगी तो ये क्या होती जा रही हैं, और एक्सटेंड होती जाती हैं। तो मैंने इन्हें क्या करा, इस रे को इमेज का पॉइंट लाने के लिए मैंने इसे पीछे एक्सटेंड करा। ठीक है, और इमेज मुझे कहाँ मिली, पीछे मिली। तो ऐसे इसको बनाते हैं, कभी भी इमेज बनाना है तो दो पॉइंट लेंगे, दो पॉइंट लेंगे तो एक और जगह मीट करवा देते हैं, एक और पॉइंट लेते हैं। मान लो इस बार ये मैंने ये इंसिडेंट रे ले ली। ठीक है, ये इंसिडेंट ले रही, तो ये इसका फिर नॉर्मल बन जाएगा, ये नॉर्मल बन गया तो ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। फिर मुझे कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिला, मैंने इसे पीछे प्रोड्यूस कर लिया, पीछे प्रोड्यूस कर लिया तो ये मुझे एक कॉमन पॉइंट मिल गया, यही मेरी क्या हो गई, इमेज हो गई। इज इट क्लियर, समझ में आया? यस, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, इसका क्या बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रे डायग्राम। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रे डायग्राम। तो कभी भी प्लेन मिरर का आपको रे डायग्राम बनाने को आता है, कभी भी प्लेन मिरर का रे डायग्राम बनाने को आता है, तो क्या क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर तक का जो डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस में ए ले लिया। ठीक है, प्लेन मिरर से जितना डिस्टेंस है, इमेज का भी उतना ही डिस्टेंस बनेगा। ठीक है, इमेज का भी उतना ही डिस्टेंस होगा। ये आपकी फर्स्ट, आप कह सकते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड, अच्छा मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि ये मेरा प्लेन मिरर है। ठीक है, ये मेरा प्लेन मिरर है, मान लो मैं इसी को ही बोल रही हूँ, ये मेरी इंसिडेंट रे है। अच्छा, ये मेरी इंसिडेंट रे है, अगर परपेंडिकुलरली अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 90 डिग्री। नहीं, 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री तो नॉर्मल रे बना रही है, इंसिडेंट कितना बनाएगी मैम, 180 भी नहीं बनाएगी मैम, 90 से कम होगा, 90 से कम होगा। ओके, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखो कि क्या बोला मैंने, क्या है आपका जो समीर ने भी 90 बोला है, 90 नहीं है। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस समझो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस समझो, ये आपकी नॉर्मल रे है, नॉर्मल रे से इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। जो नॉर्मल होगी ना, जो नॉर्मल रे होगी वो तो 90 डिग्री एंगल बना रही है, ये नॉर्मल रे थी। नॉर्मल रे हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। अब मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया कि यही इंसिडेंस रे भी है, यही मेरी क्या है, इंसिडेंट रे भी है। तो अगर यही मेरी इंसिडेंट रे है और यही मेरी नॉर्मल रे है तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर दो रेज, दो एक ही कोइंसिडेंट पॉइंट पे है तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। समझ में आई बात?
यस मैम. ठीक है, ओके क्लियर. तो अगर आपका मान लो एंगल जीरो डिग्री है, ठीक है, इंसिडेंट रे नॉर्मली लाई कर रही है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो ये यहीं की यहीं वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी. अगर अब मुझे पॉइंट चाहिए तो मैं इसे क्या कर दूंगी, पीछे एक्सटेंड कर दूंगी. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे प्लेन मिरर के लिए, तो हमें जो ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है, जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे एट द टाइम ऑफ इमेज फॉर्मेशन, जब हम ऑब्जेक्ट लेंगे तो वो हमेशा कैसा लेंगे, कैसा एंगल बनाए ऑब्जेक्ट, 90 डिग्री बनाए. प्लेन जो आपका प्लेन मिरर है ना, उससे एंगल कितना बनाना चाहिए, हमेशा 90 डिग्री बनाना चाहिए. फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपको मैं बोल रही हूँ ये प्लेन मिरर है आपका, ओके, जैसे कि इसको ऐसे समझो कि ये आपका कोई मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, और ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो बताओ कहाँ बनेगी, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज कोई ऑब्जेक्ट है, तो अब इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी, कैसे याद रखेंगे हम, कैसे हमें समझ में आएगा कि अगर आपका कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे फॉल करेगा प्लेन मिरर पे, कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा. तो ये मेरा हो जाएगा 90 डिग्री एंगल, और इसी के बिल्कुल सीधे, इसी के बिल्कुल सीधे हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी. तो ये हमारा इमेज का पॉइंट हो जाएगा. इसका मतलब इमेज भी कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी. समझ में आया? यस मैम. ये तो इजी सा हो गया. अच्छा, अब सेकंड देखो, सेकंड वेट. हाँ देखो, अगर ये कोई आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर है, अब मैं बोल रही हूँ ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, अब बताओ इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो 90 डिग्री बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, प्लेन मिरर से 90 डिग्री होना चाहिए, तो यही सीधी आपको क्या मिल जाएगी, यही पे आपकी इमेज मिल जाएगी, ठीक है. अच्छा, अगर आपको कभी ऐसा दिख रहा हो कि मिरर है ही नहीं, इसी का अगर मैं आगे ले लूं, जैसे आपको मिरर दिख ही नहीं रहा, जैसे कि ये मान लो आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ये आपका कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर है, और मैंने बोला ये ऑब्जेक्ट है, बताओ इमेज कहाँ बनेगी, बढ़ा लेंगे जी ना. हाँ, तो इसे क्या करेंगे, इसे एक्सटेंड कर लेंगे. हमेशा याद रखना है, देखो अगर मैं, मेरा मिरर यहीं पे खत्म हो रहा, अगर मैं इसे ऐसा एंगल बना लूंगी तो ये आपके नॉर्मली लाइन ही करा, ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो ये गलत हो जाएगा. तो आप कुछ फील फ्री टू एक्सटेंड दिस लाइन, तो मिरर को क्या कर लें, एक्सटेंड कर लें, एक्सटेंड करके आप नॉर्मल रे बनाए, तो ये आप नॉर्मल रे बनाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा. अब आपको इमेज चाहिए, इमेज चाहिए, तो फिर आप एक पैरेलल, सॉरी, एक लाइन बना देंगे जो 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये आपकी क्या हो गई, इमेज हो गई. अच्छा, इसी का बोला, इसी का क्या बनाए, रे डायग्राम बनाए, ठीक है, इसी का रे डायग्राम बनाए. तो एक बार आपको इमेज मिल गई तो रे डायग्राम बनाना आसान है. आपने क्या कर दिया, एक इंसिडेंट राइट बनाई, इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में, रिफ्लेक्ट हो गई तो हमें अब प्रॉपर्टी पता है. प्रॉपर्टी क्या है कि जो प्लेन मिरर है वर्चुअल इमेज बनाती है, तो इसे पीछे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है. कोई एक और इंसिडेंट बनाई, फिर उसको रिफ्लेक्ट करवा दिया, फिर उसे पीछे प्रोड्यूस कर दिया, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये आपका रे डायग्राम हो गया. क्लियर? क्लियर? यस मैम. तो क्या याद रखना है, कभी भी ऑब्जेक्ट से कैसे पास होगी, ऑब्जेक्ट जो है प्लेन मिरर से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनाएगा. और जब आप उसको आप इमेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं या रे डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो आप उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा. क्लियर? यस मैम. ओके. अच्छा, अगर कुछ आपका ऐसा होता, क्या ले लें, एक और क्वेश्चन देखते हैं.
अगर आपका ये प्लेन मिरर है ठीक है, ये प्लेन मिरर कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है ठीक है, ये प्लेन मिरर कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और आपका ये कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, आपका ये कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, अब कितना होगा एंगल, अब इमेज कहाँ बनेगी, 120 पर बनेगी, इमेज 120 पे बनेगी, ओके ठीक है। इसने थोड़ा बढ़ा लेंगे जी, हाँ इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे, इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे तो अब इससे परपेंडिकुलर बना सकते हैं, ये परपेंडिकुलर बनाया तो ये सही है बिल्कुल, तो इमेज कहाँ मिलेगी, इसे और पीछे एक्सटेंड कर लेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। अब हो सकता है आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए हो, कुछ डिस्टेंस दिया हो कि ये मान लो कुछ एक्स डिस्टेंस होता ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस होगा तो देखो अब क्या हो सकता है, ये मैंने क्या ले लिया, कोई एक्स डिस्टेंस ले लिया, कुछ भी डिस्टेंस होगा तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा ठीक है, ये एंगल भी 90 डिग्री है ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा है ना, समझ में आ रहा है, ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा, और ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं, तो ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, तो ये दोनों साइड भी बराबर होंगी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ठीक है। तो मान लो अगर ये 4 होता तो ये भी कितना हो जाता, 4 हो जाता, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे बन रही है, 4 मीटर, जो भी यूनिट है 4 यूनिट डिस्टेंस पे बन रही है ठीक है। तो ऐसा मैथमेटिकल फॉर्म भी आ सकता है, तो वो उसके लिए प्रिपेयर रहना, क्लियर, समझ में आया, यस मैम। अच्छा अब क्या क्या, ये तो आपका पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हो गया था ठीक है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट अपन ने ले लिया था, ऐसे ही क्या हो सकता है, आपका कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब वही जो हम ए बी कुछ ऑब्जेक्ट लेते हैं ना, जैसे कि मान लो ये प्लेन मिरर है ठीक है, ये प्लेन मिरर है अपना, ये अपन ने नॉर्मल बना लिया, एंड ये हमारा कोई ऐसा ए बी कोई मेरे पास अब बड़ा सा ऑब्जेक्ट है ना, बड़ा सा है, पॉइंट साइज नहीं दिख रहा, बड़ा दिख रहा है, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोल रहा है, इसके लिए अगर हम बनाएंगे तो इसमें भी कंडीशन सेम वही रहेगी, बस रे डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्योंकि कभी न्यूमेरिकल जो आते हैं उसमें उसके लिए आपको रे डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो अगर ये एक्स डिस्टेंस है तो ये भी कितना होगा आपका, एक्स डिस्टेंस पे होगा, तो ये जितना ऑब्जेक्ट है, जितना अपन प्लेन मिरर में देखते हैं ना अपने आप को, तो अपन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज तो है नहीं, तो जितनी मैं जितनी बड़ी हूँ प्लेन मिरर में भी उतनी बड़ी दिखती हूँ। अब इसका आपको रे डायग्राम बनाना है, अब इसका रे डायग्राम बनाना तो आसान है, एक आपने सीधी लाइट इंसिडेंट करवा दी, सीधी इंसिडेंट हो रही है, मतलब 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, मतलब नॉर्मल रे पे ही इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल रे पे अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो वहीं रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये पीछे रिफ्लेक्ट हो गई, पीछे एक्सटेंड कर दिया तो हमें कोई पॉइंट मिल गया, और पॉइंट ले सकते हैं, अगर हमने इसे ऐसे इंसिडेंट करवा दिया तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसे क्या कर दें, पीछे एक्सटेंड कर देंगे, हमें पॉइंट मिल गया, मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं ठीक है। ये कोई पॉइंट है, यहाँ से मैंने इसे इंसिडेंट करवा दिया तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो गया तो पीछे क्या कर दें, इसे एक्सटेंड कर दें, तो ये हमें कोई पॉइंट मिल जाएगा, समझ में आ रहा है कैसे पॉइंट बना रही हूँ, तो ये अच्छा यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से इंसिडेंट करवाया फिर वही कहानी, पीछे के पीछे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और अपन इसे पीछे एक्सटेंड कर दें, हमें ये पॉइंट मिल गया, तो ये क्या हो गई, हमारी इमेज हो गई, इमेज की हाइट हो गई, हाइट मान लो मैं ले रही हूँ एच डैश, हाइट मैंने क्या ले ली, एच डैश ले ली, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ना, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट की हाइट क्या ले ली, ऑब्जेक्ट की हाइट मैंने एच ले ली ठीक है। तो क्या कह रहा है, सेम साइज की इमेज बन रही है, क्या प्रॉपर्टी देखे हमने, हमने देखी कि सेम साइज की इमेज बन रही है, सेम साइज की इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, अगर मैं मैग्निफिकेशन लिखना चाहूँ तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, एनी आंसर्स, मैम 1/1, मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, कितना मैग्निफाई होगी इमेज प्लेन मिरर के केस में, h डैश बाय h हो जाएगी जी ना,
क्या हो जाएगी, एच डैश अपॉन एच हो जाएगी, या फिर हम ऑब्जेक्ट और उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। वैसे अभी अब आपको यू भी बताया नहीं है तो ऐसे ही बता देती हूँ, एच डैश बाय एच से। तो हाँ, क्या कह रहा है, प्लेन मिरर में सेम साइज की इमेज होगी, सेम साइज की इमेज होगी, इसका मतलब एच डैश किसके इक्वल होगा, एच डैश जो है आपका एच के इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एच डैश बाय एच डैश, तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वन। वन क्यों, क्योंकि आपको इमेज कैसी दिख रही है, सेम साइज की दिख रही है। क्लियर? यस यस मैम। ओके ओके, ठीक है, कूल कूल, ठीक है। अच्छा, इसी पे बेस क्लॉक के भी क्वेश्चन आते हैं, क्लॉक के या कुछ भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या कोई मिरर है, ठीक है, वैसे इसका शॉर्टकट इजी है। और अगर यहाँ पे बज रहे हैं, क्या ले लें, थ्री है ना, ये थ्री है, ठीक है, ये आर हैंड है और ये मिनट हैंड है। अगर थ्री बज रहे हैं, अगर ये मैंने मिरर के सामने कोई क्लॉक रख दी तो उसमें थ्री बज रहे हैं, तो आपको कैसी इमेज मिलती है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज मिलती है। हमने अभी पढ़ा था, है ना, प्रॉपर्टी में देखा था कि प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसी इमेज मिलती है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज मिलती है। तो लेटरली इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, तो यहाँ पे जो इमेज मुझे मिलेगी वो कितनी कितनी होगी, कितना नौ बजाएगी, ठीक है। क्लॉक कितना बजाएगी, नौ बजाएगी, ये आपका 12 हो गया, ये 9 हो गया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इमेज जो है आपको लेटरली इन्वर्टेड मिलेगी, लेटरली इन्वर्टेड मिलेगी। अच्छा, इसे कैसे कह सकते हैं, ये देखो, यहाँ से देखेंगे तो ये डिस्टेंस कुछ इतना है, ठीक है, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे भी हम कम डिस्टेंस बनाएंगे। ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ये इमेज इस पॉइंट की, इसको ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइड मान लिया है ना, ये इसे पॉइंट साइड ऑब्जेक्ट मान लिया, तो ये भी अपन को मिलेगा उल्टा, फिर इसको मिला देंगे। समझ में आ रहा है ना, वैसे क्लॉक रूल के लिए शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि जो भी आपका टाइम हो ना, जो भी आपका ऑब्जेक्ट का टाइम आए, जैसे कि यहाँ पे थ्री आया था, तो उसमें से क्या माइनस कर दो, 12, उसको 12 में से माइनस कर दो, तो 12 माइनस 9, 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। जैसे ना, अगर कोई क्लॉक होती, अगर तीनों हैंड आ गए, ठीक है, मिनट हैंड, आर हैंड, सेकंड हैंड, सब आ गया, जैसे कि ये ले लो, ये दो बजा रहा है, कुछ ये टाइम है, ये सेकंड हैंड है, ये मिनट हैंड है और ये आर हैंड है, तो ये कुछ मैंने ये ले लिया, ठीक है, इतना कुछ बजने वाला है, ये 11 ले लेते हैं, ठीक है, इतना कुछ बज रहा है, तो आप पूछा आपसे, बताइए क्लॉक में कितना टाइम होगा, ठीक है, तो क्या कर दें, आप सब ले लो 12 0 0 0 0, इसमें से क्या माइनस कर दें, जो भी आपको टाइम गिवन है वो माइनस कर दें, कितना गिवन है, 2 11 5, 2 11 और 5, ये क्या कर दें, माइनस कर दें, तो जो भी आंसर होगा आपका वो आपको इमेज मिल जाएगी। कैसी इमेज, लेटरली इन्वर्टेड इमेज। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, जल्दी तो नहीं हो रहा, स्लो हो रहा है पर जल्दी नहीं हो रहा, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत ना जी? नो मैम। ओके ओके, कूल कूल कूल, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, बस दो ही बातें याद रखना है, इन शॉर्ट आपको दो बातें याद रखना है। क्या है दो बातें, एक तो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज याद रखना है, और ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट हमेशा प्लेन मिरर पे कैसे फॉल करेगा, कैसे फॉल करेगा, 90 डिग्री, परपेंडिकुलरली फॉल करेगा, ठीक है, परपेंडिकुलरली फॉल करेगा। अगर कहीं पे परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और कभी भी ऑब्जेक्ट और इमेज निकालने को आए तो कंपोनेंट में भी ब्रेक कर सकते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा ऐसे करके आप कंपोनेंट में ब्रेक करके भी आंसर निकाल सकते हैं, नॉर्मल मैथ्स आपकी लग सकती है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई ये, अब इसका एक छोटा सा, ओके एक मिनट में ये सेशन एक्सपायर होने वाला है, फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब एक और आपको डेरिवेशन दिया रहता है, क्या कहते हैं कि मान लो मेरी हाइट एच है, ठीक है, मैं हूँ, मेरी हाइट कितनी है, एच है, मेरी हाइट कितनी है, एच है, तो मुझे मिनिमम कितने हाइट का, मिनिमम कितने हाइट का मुझे मिरर चाहिए पड़ेगा अपनी पूरी इमेज देखने के लिए,
ठीक है, बात समझ में आई क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ जी ना, मैं अगर ऑब्जर्वर हूँ, ठीक है, मैं अगर ऑब्जर्वर हूँ और अगर मैं मिरर में अपनी इमेज देखना चाहती हूँ, तो मिनिमम मुझे कितने हाइट का, कितना लंबा मुझे मिरर चाहिए होगा कि मुझे अपनी उसमें पूरी इमेज दिख जाए, ना मेरा सर कटे ना पैर कटे, ठीक है? तो वो हाँ यस क्या एच तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एच बाई टू, ठीक है, अगर आप एच हाइट के हैं, ठीक है। अच्छा, इसका डेरिवेशन स्किप भी कर सकते हैं, खैर कर लेंगे, आप लोगों को करना रहता है। देखो, अगर मेरी हाइट एच है, अगर ऑब्जर्वर की हाइट एच है, अगर ऑब्जर्वर की हाइट एच है, तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ लेंथ होगी, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ